हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे, आज का जो वीडियो है वो क्लास फोर्थ के लिए है। टुडेज ईबीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास फोर्थ। लास्ट के क्लास फोर्थ के ईबीएस की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर रीडिंग करवाई थी, चैप्टर थ्री, जिसका नाम था अ डे विद नंदू। नंदू नाम के छोटे से हाथी के साथ हमने कई मस्तियां की थी उस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन आंसर की रही बात क्वेश्चन आंसर की, जिसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, तो वहां से आप क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है चैप्टर फोर और जिसका नाम है, ठीक है, द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की स्टोरी के बारे में राहुल सर आप लोगों को डिटेल से बताएंगे और उससे पहले वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ फोर्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईबीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली। सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर, चैप्टर फोर, द स्टोरी ऑफ अमृता, ठीक है। द स्टोरी ऑफ अमृता की तरफ चलते हैं, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर थ्री था और चैप्टर थ्री की जो मैं स्टोरीज थी, चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स थी, ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर फोर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर डालते हैं हम सबसे पहले चैप्टर फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप चैप्टर फोर का नाम, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ईबीएस, ठीक है, ये लिख दिया क्लास, ठीक है, फोर्थ, क्लियर है, ठीक है, चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर का जो नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता, क्या है चैप्टर फोर का नाम, द स्टोरी ऑफ अमृता, ठीक है, द स्टोरी, ठीक है, द स्टोरी ऑफ अमृता, ए एम आर आई टी, ठीक है। एक स्टोरी बताऊंगा मैं अमृता के बारे में इस चैप्टर में, ठीक है, और जो उससे पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगा वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दी राहुल सर ने वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर हेडिंग डाल दी वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है। और आपको नीट एंड क्लीन वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करनी है और ध्यान रखना ये वर्ड मीनिंग्स पहले आप किसमें नोट करोगे, बताइए किसमें नोट करोगे, क्लास वर्क में, किसमें नोट करोगे, क्लास वर्क की कॉपी में। उसके बाद आपको सिस्टमेटिक होमवर्क की कॉपी में करना है। आपको कोई डाउट रहता है, कोई गलती हो तो आप उसे इरेज भी कर सकते हैं, पेंसिल की हेल्प से करना है, कर्सिव में लिखनी है, अपने मम्मी पापा, अपने गार्जियंस, अपने जो एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं उनसे वो चेक करवा लीजिएगा कि क्या मैंने ये वीडियो में से राहुल सर का जो ईवीएस का वीडियो है चैप्टर फोर का, क्या मैंने ये सही नोट की है, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे चेक करवा लीजिएगा, फिर देन आपकी होमवर्क की कॉपी में उसको कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग लिखते हैं, ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, फर्स्ट वर्ड मीनिंग लिखिएगा ऑल मोस्ट, एम ओ एस टी, ऑलमोस्ट, ठीक है, लिखिएगा ऑल मोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट, ऑल ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लगभग या करीब करीब, ठीक है, लगभग क्या होता है, लगभग, लगभग, ठीक है, लगभग बोल सकते हैं, ट्राई बोल सकते हैं, ठीक है, डेट्स क्लियर। एक लाइन का गैप दे दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, आप लोग ज्यादा बेटर रहेगा बुक परचेज कर लें, बुक मार्केट में आ गई है, बुक परचेज कर सकते हैं, और एंड्रॉइड यदि मोबाइल है तो उसके प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी वहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, विलेज, अगली लिखिएगा वी आई, वैन वाला वी आई डबल एल ए जी ई, विलेज, वी ले ज, विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव, विलेज का मतलब होता है गांव, ठीक है। आ जाइए, गांव की स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी अमृता, मतलब अमृता एक जोधपुर का, एक जोधपुर के पास का एक गांव था खेजड़ी, क्या नाम था उस गांव का, नाम था खेजड़ी, उसमें अमृता नाम की एक लड़की थी, ठीक है। जोधपुर जो हमारे राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जोधपुर, क्या नाम है उस डिस्ट्रिक्ट का, जोधपुर, उस जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव का नाम है अमृता, जैसे आपका गाँव भी होगा किसी डिस्ट्रिक्ट या तहसील के अंदर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो जोधपुर राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव था खेजड़ी,
खेजड़ली, वैसे नाम तो इसका नाम है खेजड़ली गांव में, एक अमृता मतलब बिश्नोई समाज की, कौन सा समाज है, जैसे आप कोई एसटी से है, ओबीसी से है, जनरल से है, ठीक है, कोई एसबीसी से है, तो वो बिश्नोई समाज की थी वो लड़की, और उसने वो पेड़ों को बहुत प्यार करती थी, यानी कि उसने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पेड़ों को कभी नहीं कटने दिया, वो पेड़ों को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, ठीक है। आगे लिखिएगा, यहाँ तक लिख लिया आपने, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आपको ये स्टोरी सुनोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी होगी, ठीक है ना। केयर का मतलब लिखिएगा CARE, केयर, इसमें लिखे CARE, केयर, के ये और रे, केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, ठीक है। आगे लिखिएगा, फोर्थ बर्ड मीनिंग पे आ जाइए आप, ठीक है, फोर्थ बर्ड मीनिंग में चलते हैं हम, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, रोम, ROAM, जैसे जैसे वर्ड मीनिंग मुझे दिखती जाएंगी और जो मेरे को अच्छा लगती जाएगी, जो आपके काम में आने वाली है, वो ही मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। रोम, रोम, ठीक है, रोम का मतलब होता है घूमना, ठीक है, क्या होता है घूमना, जैसे घूमंतू लोग होते हैं ना, आवारा लोग घूमते रहते हैं, ठीक है, आवारा लोग नहीं होते, बोलते हैं आवारा डॉगी, ठीक है, तो आवारा लोग को बोलते हैं रोमिंग पर्सन, क्या बोलते हैं, रोमिंग पर्सन, तो यानी कि वो घूमते रहते हैं, ठीक है। और रोमर्स का मतलब होता है घूमंतू, जो घूमते रहते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है ट्रंप, ये है ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है, ये है ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, ठीक है, जैसे आपने स्टोरी सुनी हो, हाथी की सूंड, एलिफेंट्स ट्रंक, ठीक है। आगे लिखिएगा शेड, ठीक है, SHADE, शेड, क्या लिखा, शेड, शेड का मतलब क्या होता है, छाया, और धूप में पेड़ की छाया में बैठने का जो आनंद होता है, इफ यू हैव एवर गॉट इट, ठीक है, आपने कभी आनंद उठाया है क्या, ऐसी छाया का आनंद लिया है क्या, SHADE, शेड में छाया, पेड़ की छाया का और ठंडे पानी का जो मजा है वो कहीं नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर जरूरी नहीं है, मतलब ये आपके अभी तो है, ये आगे जाकर भी आप लोगों को पढ़ना है। ग्रीट, GRETT, ग्रीट, ठीक है, क्या है, ग्रीट, गे के नीचे रे, तो ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है प्रणाम करना, अभिवादन करना, प्रणाम करना, प्रणाम करना। अब आ जाइए एट वर्ड मीनिंग पे, ठीक है, कितनी लिख ली आपने, 7 तो हो ही गई, ठीक है, आगे आ जाइए, ठीक है, आगे लिखिएगा स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर, क्या लिखा, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता अजनबी, मम्मी पापा बोलते हैं ना किसी अजनबी व्यक्ति से बात मत करो, अजनबी, अजनबी यानी कि आप अजनबी, आप भी किसी नए शहर में जाते हो तो आप क्या हो, अजनबी हो, क्या हो आप, अजनबी, आप किसी नई सिटी में चले गए, दिल्ली मुंबई, तो आप वहां तो कुछ जानते नहीं हो ना, तो वहां के लिए आप क्या हो, अजनबी हो। और आपके यहाँ कोई दूसरी जगह से कोई व्यक्ति आया, आप यहाँ गंगापुर में या अपने गाँव में या अपनी तहसील में या अपने कस्बे में या अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आप जानते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर है, लेकिन कोई जब बाहर के व्यक्ति आएगा तो वो तो आपके लिए अजनबी होगा ना, ठीक है, आपने पहले तो नहीं देखा उसे, ठीक है। आगे लिखिएगा पैलेस, PALACE, पैलेस, पैलेस, पैलेस का मतलब होता महल,
ठीक है। और ये चैप्टर आपके 4 चल रहा है, द स्टोरी ऑफ अमृता। इससे पहले चैप्टर 3 था, अ डे विद नंदू, नंदू के साथ कैसी मस्तियां की थी। और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे आप लोगों के नंबर पे सेंड कर दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो ग्रुप बना हुआ है क्लास 4th का, मे आई अटेंशन, ठीक है, सुनिएगा आप ध्यान से। आपका जो चैप्टर, आपका जो ग्रुप बना हुआ है, जो आपके इंचार्ज सर हैं विवेक जी सर, उन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ है, वहां पर आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। यानी कि ग्रुप में आप देख लीजिएगा, ग्रुप में आप लोगों को चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, वहां से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पहले इसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हग, HUG, हग, हग, हग यानी कि होता है सीने से लगाना, कहते हैं ना हग दो मुझे, सीने से लगाना, सीने से लगाना। आगे आ जाइए 11 पे। ठीक है, हग का मत होता है सीने से लगाना। ठीक है, आगे आ जाओ, शाउटेड, SHOUTED, शाउटेड। ठीक है, शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है, आगे लिखिएगा, चिल्लाकर भाग जाना या चिल्ला चिल्लाकर कहना। चिल आधा ले ला, चिल्लाकर कहना, चिल्लाकर कहना, बहुत अच्छी बात। आगे आ जाइए 12 वर्ड मीनिंग पर। ठीक है, चिल्लाकर कहना। ठीक है, यहां तक आप लोगों के क्लियर होता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। इंक्लूड, INCLUDE, ठीक है, लिखिएगा, इन आधा के छोटा लू और डे, इंक्लूड। ठीक है, क्या लिखवाया, इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल, शा से सलगम वाला, शामिल करना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। ठीक है, 13 पर आ जाओ, 13, एक एक लाइन का गैप देना है सब में, देख लेना भैया, एक एक लाइन का गैप देना है। ठीक है, रिमेम्बर, REMEMBER, री में बर, रिमेम्बर, रिमेम्बर, रिमेम्बर का मतलब याद रखना, रिमेम्बर का मतलब याद रखना। 14 पर आ जाओ। ठीक है, आगे लिखो, प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन, प्रो टेक आधा के शेने, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा देना या सुरक्षा करना। तो कहां तक लिख लिया आपने, प्रोटेक्शन तक। प्रोटेक्शन की स्पेलिंग क्या है, PROTECTION, प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा करना। अब आ जाओ 15 पर। ठीक है, प्रोटेक्शन लिख ही लिया आपने, इसके बाद लिखिएगा अफेक्टेड, AFFECTED, अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है दिखावटी या बनावटी, बनावटी। ठीक है, अफेक्टेड का मतलब हो गया बनावटी। ठीक है, तो क्या क्या लिख लिया आपने, अफेक्टेड का मतलब हो गया आप लोगों के बनावटी। ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट, बहुत अच्छी बात। अफेक्टेड का मतलब लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा आप लोगों ने, अफेक्टेड का मतलब, अफेक्टेड का मतलब क्या होता है, बनावटी लिखा आपने, क्या होता है, बनावटी। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख ही लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, कितनी वर्ड मीनिंग्स लिख लिया आपने, 15। 15 के बाद आ जाओ, अब बात करते हैं 16 की। ठीक है, 16 वर्ड मीनिंग की। ठीक है, आ जाओ 16 वर्ड मीनिंग पर चलते हैं हम लोग। ठीक है,
16 वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, ठीक है। राहुल सर 16 की बात कर रहे हैं। अब चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। डेजर्ट, डी ई एस ई आर टी, डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। 17 पर आ जाओ, ठीक है। डेजर्ट के बाद बहुत अच्छा लेसन है ये, ठीक है। एच ए आर एम, हार्म, हार्म, हार्म का मतलब लिखीजिएगा, ठीक है। हार्म का मतलब होता बुराई, ठीक है, या नुकसान भी हो सकता है, बुराई। 18 पे आ जाइए, ठीक है, लिख लिया हार्म के बाद। हार्म का क्षति, नुकसान पहुंचाना भी होता है, ठीक है ना, नुकसान पहुंचाना भी होता है, ठीक है। हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। अगले लिखिए फियर, एफ ई ए आर, ठीक है, फियर। फियर का मतलब क्या होता है, फियर का मतलब होता है डरना, ठीक है, डरना, ठीक है। आ जाओ 19 पर, ठीक है। नाइनटीन के बाद आप लिखे, आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, ठीक है, वर्ड का नाम है एच, हर्ड बोलते हैं, एच ई ए आर डी, ठीक है। हर्ड का मतलब होता है झुंड होता है, हर्ड का, हर्ड का मतलब सुना भी होता है, झुंड भी होता है, ठीक है, वो हर्ड होता है, एच ई आर डी, हर्ड, ठीक है। ये तो हो गया हर्ड, ठीक है, ये हर्ड होता है झुंड, क्या होता है ये, झुंड, ठीक है। और एक और आपने सुना होगा एच ई ए आर डी, हेयर्ड, इसे बोलते हैं हेयर्ड, ठीक है, एच ई ए आर डी, हेड का मतलब इसे बोलते हैं हेड, ठीक है। हेड का मतलब होता है, यह इसमें साइलेंट है, होता तो है साइलेंट होता है, हेड का मतलब आप लोगों को मतलब होता है सुना, इसका मतलब होता है सुना, ठीक है। तो यानी कि आज की वीडियो में बस इतना ही करवाऊंगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखवाया राहुल सर ने ऑलमोस्ट, ठीक है, विलेज गांव, ऑलमोस्ट लगभग, केयर देखभाल करना, रूम घूमना, ट्रंक सूंड, शेड छाया, ग्रीट प्रणाम करना, स्ट्रेंजर अजनबी, पैलेस महल, हग सीने से लगाना, शाउटेड चिल्लाकर वो कहना, इंक्लूड शामिल करना, रिमेम्बर याद रखना, प्रोटेक्शन सुरक्षा करना, अफेक्टेड बनावटी, यहाँ तक हो गया। 15 के बाद आ जाइए 16, डेजर्ट रेगिस्तान, हार्म बुराई, फियर डरना, ठीक है, हर्ड झुंड और हेयर्ड सुना। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी वर्ड मीनिंग्स करवाएंगे चैप्टर 4 की, और इसका नाम है द स्टोरी ऑफ अमृता, फिर आपको चैप्टर रीडिंग करवाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, सभी वर्ड मीनिंग्स के बीच में एक एक लाइन का गैप होना चाहिए, कर्सिव में वर्ड मीनिंग को आपको राइट डाउन करना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईबीएस को पढ़ते रहें, थैंक यू, बाय बाय।